कुछ लोग सुबह सब्जी खरीदते समय, दूध खरीदते समय अचानक से इकट्ठे हो जाते हैं, या 2 मीटर का जो गैप रखना है वो रख नहीं पाते हैं, वो अपने घर में संक्रमण को बुलावा दे रहे हैं। वो संक्रमित हो गए तो घर के सारे मेम्बर संक्रमित होंगे, 10 साल से नीचे के बच्चे और बुजुर्ग लोग काफी गंभीर रिस्क पर हैं। इसलिए आप अपने घर में रहें, बहुत अति आवश्यक हुआ तो ही बाजार में जाएं। लॉकडाउन के दौरान बड़ी मात्रा में असुविधा होगी अभी तो, लेकिन यह सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अतः सरकार का, प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जो भी सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति हैं वो लगातार प्रशासन को स्थिति का बताते रहें। जिन लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं है या जो प्रशासन से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग टीवी को पहुँचाएँ। और हमारा कंट्रोल रूम नंबर और उपखंड के कंट्रोल रूम नंबर हमने सभी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए हैं, मीडिया ने भी उस पर अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया है, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और लोगों को जागरूक भी करें कि परेशानी हो तो इस नंबर पर हमको कॉल करना है। वही व्यवस्थाओं की बात, तो क्वारंटाइन बेड की फैसिलिटी हमने 2086 माह डेवलप कर लिए है। जरूरत पड़ने पर हम लोगों को घरों से शिफ्ट करके क्वारंटाइन बेड फैसिलिटी जहाँ हमने डेवलप की वहाँ शिफ्ट हम कर सकते हैं। आगे हम और डेवलप कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम विभिन्न भवनों, बिल्डिंगों और होटल्स को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के आधार पर है, लेकिन हमें हर स्थिति और चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। सैंपल के बारे में आपको बताऊँ, जहाँ तक कि अपने जिले से 47 सैंपल गए हैं अभी तक, उसमें से 39 की सूचना अपने पास आ गई, वो अभी तक नेगेटिव है। अभी 8 सैंपल अंडर प्रोसेस हैं। अभी बॉर्डर से लगातार लोग आ रहे हैं और कल के दिन, कल सुबह 8 बजे से आज सुबह 8 बजे तक 3,781 लोग आए हैं। तो जो 19 तारीख से हमने बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित की है बॉर्डर से, उसके माध्यम से अपने जिले में लगभग 10,105 लोग के आसपास आए हैं। उसमें से हमारे जिले के हैं और बाकी जिलों के हैं, बाकी राज्यों में हैं, उसकी सूचना है। उसकी सूचना हम डिजिटाइज करके बाकी अन्य जगह भिजवा रहे हैं। काफ़ी कुछ डिजिटाइज सूचना होगी आज शाम तक, हम कल शाम तक की सूचना सभी विभिन्न कलेक्टर्स को और अन्य राज्यों को भिजवा देंगे। जो अफवाह की बात है तो अफवाह किसी भी तरह से ना फैलाएं, और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट की बात है, जहाँ तक लोग अवेयर हुए हैं, लोग बताने लगे हैं कि आसपास उनके कहाँ से लोग आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग और की जानी है, या कहीं किसी ने हाउस आइसोलेशन रखा हुआ है, होम आइसोलेशन में किसी ने अगर वॉयलेट किया है, उसकी सूचना भी आ रही है कि वॉयलेशन में है या बाहर निकल रहे हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले भी हम 2 FIR दर्ज करा चुके हैं। आज देखा गया था कि एक जो है कोई उदयपुर से आए थे, उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए लिखा था, तो कहीं हमने पढ़ा था तो देखा कि वो उनके वहाँ, हम अपनी तरफ से स्थिगत चुका क्या है कि बाहर नहीं निकले, पाबंद कर क्या है, लेकिन वॉलेट किया है, कोई भी व्यक्ति वॉलेट करेगा धारा 144 का, तो सब कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी FIR दर्ज कराएंगे हम लोग। तो फिर मेरा आग्रह है कि जो लोग होम आइसोलेशन रखे हुए हैं वो सीरियसली उसको लें, जो होम आइसोलेशन को तोड़ेगा हम सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों और फिर उस कम्युनिटी के अन्य सदस्यों की सुरक्षा की बात है। हम सभी पूरे समाज को, पूरे जिले को, पूरे राज्य को इसके कारण खतरे में नहीं डाल सकते। तो कृपया करके फिर से मेरी अपील है आप सबसे कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, खास करके जो होम आइसोलेशन रखे हैं, लोगों के हाथ पे स्टैम्प हैं इस जगह पे या फिर स्टिकर हैं, वो कम्युनिटी भी ध्यान रखें कि ये लोग पॉसिबल वाहक हो सकते हैं अगर संक्रमित होते हैं तो। अभी कोई प्रूव नहीं हुआ है, बट केवल एक ट्रेवल हिस्ट्री के कारण उनको रखा गया है प्रिकॉशन के तौर पर, लेकिन अगर हुए तो पूरे आसपास की लोकेलिटी के लिए बड़ी, बहुत बड़ी चुनौती होगा। तो सभी लोग आप जो है ऐसे घरों के बाहर निगरानी रखें ताकि ये लोग बाहर नहीं आए, और इस जिनके घर के बाहर स्टिकर लगा है उनसे भी अपील है कि ये कोई कोरोना वायरस से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कोई जांच है, केवल ये प्रिकॉशन के तौर पर कि आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है, ट्रेवल हिस्ट्री, कि आप ऐसी जगह से आए जहाँ पर संभावित जहाँ पर संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो अतः आप अपने घर में रहें और प्रशासन की मदद करें, घर के बाकी लोग भी जिस व्यक्ति के खिलाफ होम आइसोलेशन रखा गया है वो अपने आप को
कांटेक्ट डायरेक्टली ना करें, 14 दिन का है तो। और दूसरा जो कुछ चीज़ें हैं, बाहर नहीं निकले, सूखी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सब हरी सब्जी लेने के चक्कर में लोग अगर बाहर निकलते हैं तो अपने आप को एक खतरे के प्रति एक्सपोज करते हैं। तो कम से कम जो है इस समय घर में रहने का ही अपना एक उद्देश्य है, लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहें। अब मैं एसपी साहब से आग्रह करूँगा, अभी जो बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ में इकट्ठे भीड़ में खड़े हैं, वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस वहाँ पे बनाए रखना चाहिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है। और आपका पुलिस विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पर लगे हुए, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी है, लेकिन किसी भी प्रकार की वहाँ पर पालना नहीं की जा रही है सोशल डिस्टेंस। गुजरात बॉर्डर से हमारे पास लगातार लोग आ रहे हैं, जो ट्रक में या बसेस में वहाँ पे गुजरात बॉर्डर पे एकदम छोड़ दिए जाते हैं। हमारे पास जस्ट जो चेक पोस्ट है, हमारे जो मैन पावर लगे हुए हैं, 6 मेडिकल टीम एक ही पे लगी हुई है और राउंड द क्लॉक में लगातार काम कर रही है। तो जब वो छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास लाइन लगा रहे हैं, हम पूरी तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए कर पा रहे हैं, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाना है। सर, आज हमने दिन में देखा कि यहाँ लोग सिटी में लोग बहुत जागरूक, मेडिकल के बाद भी रेंज लेके ले रहे हैं, सब्जी के वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे। लेकिन सर जो हाईवे पे लोग चल के आ रहे हैं उनसे जो पूछा गया तो कईयों के तो स्टाम्प ही नहीं लगे होंगे, और कईयों के लगे तो वो बोलते हैं खाली वहाँ हमारा नाम लिख के और थप्पा मार के भेज रहे। तो सर भीड़ इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ भी वो लोग नहीं इतना कर पा रहे। तो सर ये जो बॉर्डर खोलना तो सबसे खतरनाक हमारे लिए लग रही है। देखिए इसमें ये है कि वो फिर मैं कहूँगा कि गुजरात के बॉर्डर से बहुत सारे लोग जो राजस्थानी है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और जहाँ तक बात है कि स्टेम का और स्क्रीनिंग का, वहाँ पे केवल स्क्रीनिंग की जा रही है, स्क्रीनिंग में जांच नहीं होती, जो टेस्ट नहीं होता। तो स्क्रीनिंग में अगर लक्षण वाला पाया जाता तो उसकी अलग से जांच होगी। और जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इसके बारे में हम बार बार उच्च स्तर पर अवगत कराया है हमने। और जो लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चेक पोस्ट कच्चे रास्ते के थ्रू निकल गए हैं, तो उसके लिए हमने ग्राम निगरानी समिति गठित कर रखी है। वो जाने के बाद जो लोग घर गए हैं उनको पता चलता इन्फॉर्म करते हैं, तो हमारी पूरी टीम उनके घर पे जाके स्क्रीनिंग करती है और उनको होम आइसोलेशन लगती है। तो जो लोग अगर हमारे चेक पोस्ट से बच के भी निकल गए हैं जहाँ पर, तो वो लोग भी अंडर मॉनिटरिंग और वॉच के अंदर है। सर सुरगंज के पास में एक उलवाड़िया गाँव है जहाँ पर करीब 150 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनके पास में न खाने के लिए कोई चीज़ें हैं, न पीने के लिए, न रहने के लिए सब है। सूची दे दीजिए। मैंने आज सवेरे ही पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उनके पास में कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा। आपने अभी बताया, अभी हम पता करना चाहते हैं। ऐसे सर सिटी के अंदर माता जीवन चौकी है जहाँ पे गोकुंदा के क्रासी प्लेयर बैठे हुए, कल से नगर पालिका को सूचना दी गई, आज मैंने स्वयं ने सूचना दी, अभी तक उनके भोजन मॉनिटरिंग नहीं हो रही सर। यहाँ से कंट्रोल रूम को बोला जाता है तो कंट्रोल रूम बोलता है 22x20 पे बात करो, 22x20 पे बात करते हो तो 22x21x23 पे बात करो, मतलब एक दूसरे पे से डाला जा रहा है सर। देखिए फिर मैं कहना चाहूंगा कि पूरी मशीनरी राउंड द क्लॉक लगी हुई है, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जो फ्रंटलाइन वर्कर काम कर रहे हैं, अभी छोड़ा था सिस्टम तो अचानक से जो सारा हुआ है उसमें हो सकता है कि गैप्स हो, तो हम उसको आगे फिलअप करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई किसी को परेशान। ये जितने सर प्रवासी आ रहे हैं, कल रात को 2-4 फोन में बताए थे, ये ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालें अलग से करने लग रहे हैं, इनके ऊपर कोई करके भाई वहाँ क्या स्थिति है, क्या वो है, और इससे क्या जो लोकल लोग हैं उनमें एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आज हमने सुबह में सब लोगों के साथ में SDM, DYSP, तहसीलदार के साथ में इस बारे में एक VC लेके चर्चा की है, और उनको निर्देश दिए कि एक बार आप सुबह सुबह ही मॉर्निंग में आप एक बार कस्बों में और आपके नीचे के अधिकारी एक बार मॉर्निंग में चले जाएंगे, जो लोग इस तरह से बाहर बैठ के जो बाहर से लोग आए हैं पहले तो ये चेक कर लें कि सील उनके हाथ में, तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने बताया कि अगर बिना सील के कोई सील लगे हुए व्यक्ति अगर बाहर बैठता है घूमता है तो हम उनको FIR कराएंगे। तो आज हम अभी एक FIR करवाएंगे, जो सील
जिनको हाउस आइसोलेशन रखा था और वो कहीं बैंक जाके आए हैं, ऐसा हमें कहीं सोशल मीडिया में पता चला था और वेरीफाई हुआ है वैसा। तो मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ उन सभी लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो फिर से मेरी अपील है आप सब लोगों से, हम सख्त केवल आपके लिए हो रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर पाएँ, आपके समाज और व्यक्ति की सुरक्षा कर पाएँ, इसमें हमारा मदद करें। हम लगातार हमारी समितियाँ इस बारे में एक्टिव हैं, लोग कह भी रहे हैं कि सर बाहर से लोग आए हैं ये अंदर नहीं बैठे, तो हमारी टीमें भेज रहे हैं, हम इसको और व्यवस्था को मजबूत करेंगे कि ये व्यक्ति जो है गाँवों में भी, शहर में तो इसका पालना हो रही है, जागरूक लोग हैं और हमारी पहुँच बहुत जल्दी है, गाँवों में भी वो लोग रहें। हमारे बीट प्रभारी हैं, पटवारी हैं, इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी हैं, इन्हें माशा उनको भी पाबंद करेंगे कि एक फिर से एक बार वो फॉर्म लेके उन लोगों को अवेयर करें और सब हिदायत दें। थैंक यू।